नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शनिवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के आखिरी में अपने परिजनों के साथ ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका की एडवांस टीम पहले दौरे की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुकी है। दूसरे दौरे की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए जल्द ही एक और टीम इसी महीने के आखिर में आएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ के लोक भवन में किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई फैसले लिए हैं। किसान सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें हर संभव तरीके से मजबूत किया जाएगा। कानपुर के बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र के नेता पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने अखिलेश यादव को बताया कि गांव के भूमाफिया उनके खेतों पर जमकर कब्जा जमाए बैठे हैं। शिकायत की कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने कानपुर के डीएम को फोन लगाकर पूरे मामले से अवगत करवाया। उन्होंने ग्रामीणों की जमीन मुक्त करवाने और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा। पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज उत्तर प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई, जिससे सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। ब्रज और आगरा में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आलम यह था कि कोहरे की वजह से सुबह 8 बजे विजिबिलिटी शून्य थी, जिसके कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए।